एक व्यंग करना होगा, एक व्यंग करना होगा इस देश की राजनीति पर, जहां कोई भी ऐरा गैरा छूना चाहे एक शिखर। किताबों से ज्यादा खर्चा, किताबों से ज्यादा खर्चा चुनाव के पर्चों पर होता है। नोटों से भरे मंदिर के सामने एक बच्चा निर्वस्त्र सोता है। शुक्रिया, शुक्रिया। दंगों और फसादों के चलते, दंगों और फसादों के चलते कितनी मौतें होती हैं। एक व्यक्ति को ऊपर पहुंचाने लाखों माएं रोती हैं। शुक्रिया। गैर तो छोड़िए, अरे गैर तो छोड़िए, परिवार भी यहां सगे नहीं रहते, ऐसे ही इस राजनीति को मैला नहीं कहते। अपने काफिले के चक्कर में, अपने काफिले के चक्कर में एम्बुलेंस रुकवा दी जाती है, फिर दुर्घटनाओं का कारण असहयोगी जनता कहलाती है। हरे और भगवे रंगों को जो, हरे और भगवे रंगों को जो बंटवारे का आधार बनाते हैं, हरे और भगवे रंगों को जो बंटवारे का आधार बनाते हैं, दुर्भाग्य देश का है यह, वो ही जन नेता कहलाते हैं। जब धर्म के व्यापारी, जब धर्म के व्यापारी भक्तों का शोषण करते हैं, तब हमारे माननीय नेताजी उनके समर्थन के नारे भरते हैं। नेताजी की निष्ठा, नेताजी की निष्ठा उनका बैंक बैलेंस दिखलाता है। नेताजी की निष्ठा उनका बैंक बैलेंस दिखलाता है। उन्हें भ्रष्टाचार का शौक नहीं, वो तो बस गुलाबी रंग का मोह भारी पड़ जाता है। शायद यहां दूर नहीं अब वह दिन जब खाने के बदले घाव मिले, जीने के लिए पानी भी एक जान के भाव मिले। कि शायद यहां दूर नहीं अब वह दिन जब खाने के बदले घाव मिले, जीने के लिए पानी भी एक जान के भाव मिले, हमें रुलाना। शुक्रिया। हमें रुलाना बन ना जाए, हमें रुलाना बन ना जाए इन नेताओं का एक नशा, आशा है सुधरे मेरे भारत की राजनैतिक दशा।